लैंडिंग के बाद अब क्या काम करेंगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। नमस्कार, मैं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो चुकी है। 40 दिनों पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ पड़ा था और 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भी भेजा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। और आज सुबह इसरो ने गुड न्यूज भी दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना भी शुरू कर दिया है और देश के सामने इसकी पहली तस्वीर भी आ चुकी है। इसमें लैंडर के एक पैर के साथ उसकी परछाई भी देखी जा सकती है। तस्वीर में ये भी देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ वो समतल है। इसरो ने ये भी कहा कि लैंडर और यहाँ अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन MOX के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया है। पहले ये जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर क्या काम करेगा। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा। साथ ही ये खनिजों की भी खोज करेगा। इसके अलावा प्रज्ञान पर दूसरा पेलोड है अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर के काम की। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहला है रंभा। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा है चास्ते। ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा है LRA। ये चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। वहीं पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा सेंसर्स के साथ बनाया गया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा ना हो सके। इस बार विक्रम लैंडर में कुछ खास तकनीक भी लगाई गई है। विक्रम लैंडर के इंटीग्रेटेड सेंसर और नेविगेशन परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए उसे हेलीकॉप्टर से उड़ाया गया था, जिसे इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट कहते हैं। फिर इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट भी हुआ। ये एक लूप परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसमें सेंसर्स और NGC को टावर क्रेन से गिराकर देखा जाता है। चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद लैंडर 14 दिनों तक काम करेगा और स्थितियां सही रही तो हो सकता है कि ये ज्यादा दिनों तक काम कर जाए।